नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राव, मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूं, मैं गुड़गांव में प्रैक्टिस करता हूं। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, जैसे आपको पता है प्लास्टिक सर्जरी एक ब्रांच होती है जो इंसान को, हम लड़कों को लड़कियों को खूबसूरत बनाने का काम करते हैं। जैसे जैसे इंटरनेट बढ़ा, जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ी, यूट्यूब बढ़ा, लोगों को इसके बारे में बहुत जानकारियाँ होने लगी, अब बहुत से लोग डिमांड करते हैं हमसे, नई नई सर्जरीज कराते हैं, हम आइज़ की सर्जरीज करते हैं, हम डिम्पल बनाते हैं, हम नाक को अच्छा करते हैं, लिप्स को अच्छा करते हैं, चीक्स को अच्छा करते हैं, कॉम्प्लेक्शन पे काम करते हैं, चेस्ट को अच्छा करते हैं, ब्रेस्ट एनहांसमेंट करते हैं, लाइपोसक्शन करते हैं, ज़्यादातर सर्जरी हम हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो हमारी सर्जरीज होती है वो खूबसूरत बनाने के ही काम आती है। जैसे जैसे लोग पढ़ रहे हैं, लोग इंटरनेट जा रहे हैं, नौकरियाँ कर रहे हैं, इस सर्जरी की डिमांड बढ़ती ही जा रही है। लेकिन कुछ सर्जरी ऐसी होती है जो खूबसूरत बनाने के लिए होती है, वो फंक्शनल सर्जरी होती है। ऐसे ही एक सर्जरी के बारे में आज मैं बात करूँगा, वो है हाइमनोप्लास्टी। हाइमनोप्लास्टी मतलब हायमन को रिपेयर करना। हायमन एक तरह की औरतों में एक तरह की झिल्ली होती है जो उनकी वजाइना में होती है, जो आप ऐसे मान के चले कि इस शेप में होती है, उसके बीच में एक छेद होता है जिससे जो मेंसेस ब्लड है वो बाहर निकलता रहे, तो एक बीच में एक गैप होता है। जब भी इसमें सेक्स किया जाता है, पहली बार सेक्स करते हैं, तो इस झिल्ली, क्योंकि ये बहुत टाइट होती है, तो ये कहीं ना कहीं से टीयर हो जाती है दो तीन जगह से, और वहाँ से ब्लीडिंग होती है। डिपेंड करता है कि किस किस जगह से टीयर होती है। टीयर होने के बाद वो वहीं पर हील हो जाती है, तो वो उसके अंदर जो रेंट है, जो जहाँ जहाँ पे टीयर है, वो हमेशा क्लियर रह जाता है। तो जब आप इसको रिपेयर करते हैं तो आपने ध्यान से देखना होता है कि अच्छे से कि कहाँ कहाँ पर टीयर है। जहाँ जहाँ पर टीयर होता है आपको उसको रिपेयर करना होता है। रिपेयर करने के लिए कोई ऐसा मतलब ऐसा नहीं है कि इसको हमें बेहोशी करके रिपेयर करना है। आप इस सर्जरी को कराने के लिए अकेले आ सकते हैं, रिक्शा में आ सकते हैं, टैक्सी में आ सकते हैं, और एक घंटे बाद करा के वापस जा सकते हैं। इसके लिए हम एक लोकल क्रीम यूज़ करते हैं सुन करने की, उसको वहाँ लगा देते हैं, उससे वो एरिया सुन हो जाता है, और फिर इस सर्जरी को उन जहाँ जहाँ पे रेंट हैं, जहाँ जहाँ पे वो टीयर हुआ हुआ है, उसको वहाँ पर टाके लगा के इसको रिपेयर कर देते हैं। टाके इसमें जो है वो घुलने वाले होते हैं, ऐसा उसको वापस निकलवाने की ज़रूरत नहीं होती, वो घुल जाते हैं वहीं पर। इसके बाद कोई प्रिकॉशन की भी जरूरत नहीं है। अगर आप अकेले आना चाहते हैं, अकेले आके सर्जरी वापस करा के जा सकते हैं, जैसे मर्जी कार से जा सकते हैं, टैक्सी से जा सकते हैं, ऑटो से जा सकते हैं। इसमें पूरी गोपनीयता बरती जाती है, हर तरह की सिक्रेसी का ध्यान रखा जाता है, सर्जरी बिल्कुल सेफ है। 4-5 दिन के लिए एंटीबायोटिक और पेन किलर ज़रूर आपको लेने होते हैं, उसके बाद किसी तरह की दवाई का कोई ज़रूरत नहीं होती। ऐसा कोई परहेज़ नहीं है जो आपने मानना है। हाँ, सेक्स आपको 6 हफ्ते तक सेक्स से दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि उससे उस वक्त हीलिंग हो रही होती है। 6 हफ्ते बाद आप दोबारा जब भी सेक्स करेंगे तो ब्लीडिंग होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। सर्जरी पूरी तरह से सेफ है। अगर आप इसके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं, इस वीडियो को के नीचे आप कमेंट्स कर सकते हैं, आप मेरी वेबसाइट को देख सकते हैं, आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। अपना बेशकीमती वक्त देने के लिए मुझे बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।